तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज मेरे पास है एक डेटा केबल, एक हार्ड डिस्क इनक्लोज़र 2.5 इंच, और है एक PNY का है ये SSD है। और इसका जो है अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहेंगे तो ऊपर लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मैंने ये सब क्यों किया है। तो देखिए मेरे पास ये है एक डेल का लैपटॉप, देख सकते हैं ये, और इस लैपटॉप में लगा है 1 TB का हार्ड डिस्क नॉर्मल वाला। तो इसका जो बूटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा ले रहा है, और दूसरा चीज़ ये है ये थोड़ा स्लो लग रहा है मेरे को। तो अभी मेरे पास कोई फंड भी नहीं है कि मैं थोड़ा महंगा वाला लैपटॉप जो है वो ख़रीद लूँ, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं ये जो 120 GB जो SSD है वो इसमें इंस्टॉल करूँगा, और इसमें जो लगा हुआ है 1 TB जिसमें मेरा डेटा है उसको मैं अपने इस इनक्लोज़र में एक्सटर्नल के रूप में यूज करूँगा। पहला तो ये है हमारे पास जो डेटा का बल है, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले बताया। अब चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसी क्वालिटी है। और ये हमने ये चीज मैं देख रहा था, जा रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये हार्ड डिस्क इनक्लोजर है स्मेक का, और इन दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। इसके साथ क्या क्या है देखिए, इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसको लिया। ऊपर में ये कुछ कुछ लगा हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं बाहर। और ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं, इसलिए ये मेरे को पसंद आया। अगर आप इनक्लोजर लेते हैं तो ऐसा ही कुछ लीजिए, ये दिखने में ब्यूटीफुल लग रहा है, और इस पर कुछ LED लाइट्स भी लगे हुए हैं, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे सिस्टम में तो ये पता चलेगा। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपल सी बात है, आप ऊपर को ऐसे पकड़िए और ऐसे करके अंगूठे से इसको सरकाइए। ये देखिए ये है ओपन हमारा, ये ऐसे आप इसको अंदर ले जाइए और ये हो गया। अब इसको हम इसमें कर लेते हैं इंस्टॉल, आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप से आपको इसको सीधा से इसको इस टाइप से प्रेस करना है। ये हो गया इंस्टॉल। अब चलिए इसको कर देते हैं क्लोज। इसको लगाने के समय ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही हो। ये हो गया सेटअप, और अगर लगाना चाहें तो ये चीज़ हो गया है। चलो ये थोड़ा सा हिल रहा है और इसका काम ये चीज़ है, हमने इसको छोड़ दिया लेकिन हमको इसको लगाना चाहिए। हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं। ये क्यों शायद इसमें चिपकना चाहिए था, इसमें दिया भी है ये इस टाइप, और ये एक्चुअल में यहाँ पर चिपकेगा ऐसे। ये देखिए ये छोटा सा चीज है लेकिन ये भी काम कर रहा है। अब चलिए इसको हम करते हैं क्लोज। तो ये
अब ये नहीं हिल रहा है, ये हो गया रेडी हमारा। अब करना कुछ नहीं है, ये वाला जो केबल है इसको, इसमें दिया गया जो स्लॉट है उसमें सही तरीके से आपको क्या करना है, घुसाना है। ये कुछ इसका ऐसे घुसेगा, ये देखने के लिए बिल्कुल सही ये। अब ये होगा हमारा तैयार। अब चलिए हम इसको करते हैं सिस्टम में ऑन। हाँ तो दोस्तों हमने ये कर लिया है इसको सिस्टम में प्लग, और ये हमारा अभी सिस्टम में ये नहीं दिखा रहा है, तो हम चलेंगे सीधा यहाँ पर। आप सर्च कीजिए पार्टीशन, सर्च कीजिए तो आपको सीधा क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन में ले जाएगा। यहाँ देखिए, और ये हमारा जो डिस्क है ये दिखा रहा है डायनेमिक इनवैलिड। तो बस यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इसको कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क लिख कीजिए, और यहाँ पर एक मैसेज आएगा डाटा ऑन दिस डिस्क will be lost if you convert the disk to basic, so you want to continue। तो चूंकि मैंने इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो पहले ही कलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसको यस कर सकता हूँ। यदि आपके केस में अगर आपने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा रखा हुआ है, तो आप इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें डेटा लॉस आपका नहीं होगा, वो भी रहता है। वो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको यस, और ये हो गया, और इसको मैं न्यू सिंपल वॉल्यूम लिख दूंगा, और इतना सिंपल वॉल्यूम साइज इन MB ये जो भी है, नेक्स्ट, और असाइन टू फॉलोइंग टाइप बिल्कुल नेक्स्ट। एंड हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि मेरा 1 TB है, क्या है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 हार्ड डिस्क में डिवाइड कर लेता हूँ। तो 500 GB का 2 मैं पार्टीशन बना लेता हूँ। तो मैं फिलहाल करूँगा 500 GB मल्टीप्लाई कीजिए 1024 और 512 डबल ट्रिपल जीरो, ये फिगर मैं यहाँ रखूँगा, ये ले लीजिए यहाँ पर, और इतना लिखना है मेरे को 512 ट्रिपल जीरो, और ये नेक्स्ट कीजिए किया मैंने, और ये NTFS नेक्स्ट फिनिश। ये हो गया फर्स्ट पार्टीशन, फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, और ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट। और सेकंड इसको भी मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम में सेलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट करते जाऊंगा, और ये फिनिश। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक्सटर्नल ड्राइव है ये हो गया रेडी, और ये हमारा इसमें दिखा रहा है, देख सकते हैं ये D और F, ये दोनों हमारा एक्सटर्नल ड्राइव है। अब चलिए हम चेक करते हैं डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है इसमें। तो मैं सिंपल सा एक जो है फाइल है उसको मैं इसमें करूंगा ट्रांसफर, और इसमें से करता हूँ मैं जो है इसको करता हूँ, और इसमें जाना अपने को डी में, ये करता हूँ पेस्ट, और ये देख सकते हैं ट्रांसफर हमारा स्टार्ट हो गया है और काफी बढ़िया स्पीड भी है। तो ये रहा दोस्तों एक्सटर्नल 2.5 हार्ड डिस्क केस जो 3.0 है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, अगर आप ये परचेस करना चाहें तो नीचे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।